हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ ओरिजिन कोचिंग। आज का हमारा क्लास है क्लास 11th का हिंदी मीडियम फिजिक्स, और हम आज क्लास 11th के हिंदी मीडियम फिजिक्स में वर्क एनर्जी एंड पावर, कार्य ऊर्जा और शक्ति का जो फर्स्ट पार्ट पढ़े थे उसके सेकंड पार्ट को हम कंटिन्यू करेंगे। आपने फर्स्ट पार्ट का वीडियो अच्छे से देख लिया होगा, पूरा कॉन्सेप्ट लर्न कर लिया होगा, और हमने उस पार्ट में कार्य को कम्प्लीट एक्सप्लेन किया था, ऊर्जा को हमने एक्सप्लेन किया था, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, और दोनों ऊर्जा के लिए हमने फार्मूला डिराइव किया था। आज हम पढ़ेंगे ऊर्जा संरक्षण का नियम, स्वतंत्रता पूर्वक गिरते हुए पिंड की ऊर्जा और स्प्रिंग पर कार्य, ये सब टॉपिक आज हम पढ़ेंगे। इसके बाद बच जाता है इसका सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जिसको हम संघट कहते हैं, वो थर्ड पार्ट में। इस तरह से कार्य, ऊर्जा और शक्ति तीन पार्ट में आप बहुत अच्छे से कवर कर सकते हैं, बहुत अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग है, और यह कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो आज सबसे पहले आज कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं आपको, संरक्षी बल कंजर्वेटिव फोर्स। और असंरक्षी बल नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ये दोनों बल किस तरह के बल हैं, ये टर्मिनोलॉजी को आपको समझना है, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। क्योंकि कई बार जब आप क्वेश्चन बनाएंगे या न्यूमेरिकल्स आप सॉल्व करेंगे तो आपको देखना होगा कि किस बल को संरक्षी, किस बल को असंरक्षी बल मानेंगे। देखो, संरक्षी बल का मतलब होता है वह बल जिसमें ये जो कार्य है, ये कार्य पथ की प्रकृति मतलब उसका नेचर, पथ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता। ठीक, ये बात ध्यान रखना कि यदि कार्य पथ की प्रकृति पर निर्भर ना करे तो उस तरह का बल, जब उस पिंड में जो बल लगाते हैं उस तरह का बल संरक्षी बल कहलाता है। पथ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता, वह अंतिम तथा प्रारंभिक स्थिति पर निर्भर करता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, यह ध्यान में रखना। मैंने ऐसा कंडीशन जिसमें यदि बल में कार्य किया जाए तो बल जो है वह पथ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता, तो उसे हम क्या कहते हैं, संरक्षी बल कहते हैं। क्लियर। फॉर एग्जांपल यदि हम इसका उदाहरण देखें तो इसका सबसे इम्पॉर्टेंट और फेमस एग्जाम्पल है गुरुत्वाकर्षण बल या गुरुत्वीय बल। देखो, पृथ्वी का जो गुरुत्वीय बल है वह पथ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता, मतलब रास्ता जो है खुरदुरा है कि चिकना है कि किस तरह से, इस पर निर्भर नहीं करता पथ की प्रकृति में। एक पिंड यहाँ रखा है, दोनों के बीच में लगने वाला जो आकर्षण बल है वह पथ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता, बल्कि उसकी प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है कि एक पिंड कहाँ रखा है, दूसरा पिंड कहाँ रखा है। ठीक है, तो इस तरह का बल क्या कहलाता है, संरक्षी बल कहलाता है। और असंरक्षी बल का मतलब होता है कार्य पथ की प्रकृति पर निर्भर करता है। यदि कार्य पथ की प्रकृति पर निर्भर करे तो उस तरह का जो बल है वो क्या कहलाता है, असंरक्षी बल कहलाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है घर्षण बल जो होता है वह आपने देखा है कि घर्षण बल क्या है, पथ की प्रकृति पर निर्भर करता है। रफ सरफेस में, खुरदुरे सतह में घर्षण ज़्यादा होता है और चिकने सतह में घर्षण कम होता है। तो घर्षण बल, इसके बाद स्यानता बल या स्यान बल, विस्कोसिटी फोर्स, ये अपन द्रव के चैप्टर में भी पढ़ेंगे। तो ये सब बल ऐसे हैं जो पथ की प्रकृति पर निर्भर करते हैं, ये बल क्या कहलाता है, असंरक्षी बल कहलाते हैं। क्लियर, तो ये कहलाता है संरक्षी बल, असंरक्षी बल। इस चीज़ को इसलिए भी जानना जरूरी है क्योंकि इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं ऊर्जा संरक्षण का नियम, जो कि आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या होता है, देखो यहीं पर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। ऊर्जा संरक्षण का नियम,
थर्ड कंटेंट है हमारा ऊर्जा संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ऊर्जा संरक्षण का नियम ये क्या होता है, देखो आप जानते हैं कि ऊर्जा के बारे में हम जानते हैं कि ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती ना तो नष्ट किया जा सकता, केवल इसका रूप बदला जा सकता है, मतलब इसका फॉर्म चेंज किया जा सकता है। एनर्जी नेवर कैन बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, ना तो हम उसको पैदा कर सकते ना उसको हम नष्ट कर सकते, हम सिर्फ उसके रूप को बदल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने देखा होगा कि बच्चे के खिलौने में हमने चाबी भरने वाले खिलौने में चाबी भरा तो हमको हमने उसको गति जुड़ जा दिया, उसको घुमाया, वह गति जुड़ जाके क्या होता है उसमें स्टोर हो जाता है, और जैसे हम उस खिलौने के ज़मीन पर छोड़ते हैं तो उसमें जो स्टोर स्प्रिंग में जो स्थिति ऊर्जा स्टोर होता है, अभी आप आगे पढ़ेंगे स्प्रिंग पर ऊर्जा, वो क्या होता है फिर गति ऊर्जा में डाइवर्ट हो जाता है और वो क्या है खिलौना दौड़ने लगता है। या किसी भी ऊर्जा की हम बात करें तो मान लो हम किसी बैटरी में बात करें तो बैटरी में इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर हो जाता है और बाद में वह कार्य के रूप में चेंज होता है, फिर हम बैटरी को रिचार्ज करते हैं फिर स्टोर हो जाता है। मतलब पूरा जो ब्रह्मांड है, यदि हम एनर्जी के बारे में डीपली बात करें तो हमारी पूरी गैलेक्सी, हमारा पूरा जो ब्रह्मांड है एक्चुअल में वह ऊर्जा का एक रूप है, और यहाँ पर सिर्फ ऊर्जा का स्थानांतरण हो रहा है, एक ऊर्जा दूसरे ऊर्जा में रूपांतरित हो रहा है। तो ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता है कि पूरे ब्रह्मांड में जो कुल ऊर्जा है वह नियत है, जो भी कार्य होते आप देख रहे हो उसमें एक ऊर्जा दूसरे ऊर्जा में परिवर्तित हो रहा है। जैसे मान लो हमारे पास पंखा है, कूलर है, इसको हमने विद्युत ऊर्जा दिया, उसको यांत्रिक ऊर्जा में बदल दिया, बाद में फिर उसी यांत्रिक ऊर्जा से हम विद्युत ऊर्जा बना सकते हैं, इस प्रकार से ऊर्जा का रूपांतरण होता है। दैट मीन्स ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता है कि ऊर्जा न तो उत्पन्न किया जा सकता न तो नष्ट किया जा सकता, इसका रूप बस बदला जा सकता है। क्लियर। इसके बाद हम पढ़ते हैं एक छोटा सा टॉपिक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसमें से न्यूमेरिकल्स बहुत बनते हैं और कॉम्पिटिटिव में तो इसे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो है स्प्रिंग की ऊर्जा या स्प्रिंग का कार्य। कार्य निकालेंगे वही ऊर्जा होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो स्प्रिंग पर किसी भी प्रकार का स्प्रिंग हो, उस स्प्रिंग को चाहे हम खींचें चाहे उस स्प्रिंग को हम कंप्रेस करें दबा दें, स्प्रिंग में क्या होता है, चाहे बच्चों के खिलौने में लगा स्प्रिंग हो, चाहे चाबी भरने वाले जो वॉच होते हैं, आजकल तो नहीं आते इसलिए मैं उसको एग्जांपल नहीं दे रहा हूँ आपको, जो चाबी भरने वाले वॉच आते थे, आजकल तो सब इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल वॉच आते हैं, तो उसमें जब हम चाबी भरते थे या अपने घर में आपने पुराने लोगों के पास या पुराना घर में वॉच होगा तो चाबी उसमें भरते थे, तो चाबी में हम गति ऊर्जा दिए फिर उसके अंदर स्टोर हो जाता है स्प्रिंग में, और वो धीरे 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 फिर गति ऊर्जा में परिवर्तित होकर उसके नीडिल को मतलब घड़ी के कांटे को घुमाता है, ठीक है। तो हम देखते हैं स्प्रिंग पर ऊर्जा, स्प्रिंग को अपन हिंदी में भी स्प्रिंग कहते हैं और इंग्लिश में, और हिंदी में उसको तंतु कहते हैं शायद स्प्रिंग उसको, आप इंग्लिश में हिंदी में दोनों में स्प्रिंग तंतु कहते हैं शायद, फिर तंतु माने फिलामेंट होता है, स्प्रिंग तुला कहते हैं तुला, ठीक है, स्प्रिंग मतलब तुला। तो स्प्रिंग पर, आप हिंदी में भी उसको स्प्रिंग कहो, स्प्रिंग पर ऊर्जा, स्प्रिंग पर ऊर्जा का मतलब क्या है, देखो सपोज हमारे पास स्प्रिंग को हम कमानी बोलते हैं, ध्यान रखना, कमानी पर ऊर्जा, ये हमारे पास एक बेस है और इसमें हमने एक स्प्रिंग को इस प्रकार से लटकाया हुआ है, ये इसमें हमने एक भार लटकाया है इस तरह से, अब ये क्या है, बल F लगा है, और इस बल F के लगने, सपोज दो कंडीशन बता देता हूँ मैं आपको, ये अभी इसमें कोई बल नहीं लगा है, अभी इसमें बल क्या है, शून्य है, ये पहला कंडीशन है। अब हमने दूसरे कंडीशन में क्या किया, दूसरे कंडीशन में इस स्प्रिंग में हमने कुछ बल लगा दिया, इस स्प्रिंग में कुछ बल लगा के ये हमने इसमें बल लगाया, सपोज F, कोई भार लटका दिया, बल F लगा के इस स्प्रिंग को खींच दिया, और यहाँ पर देखो ये इसकी प्रारंभिक स्थिति है, ये इसकी अंतिम स्थिति है, और इसमें जो विस्थापन हुआ
वो मान लो क्या है, x है। इस तरह से हमने इसमें इसको खींचा। तो इसमें जो किया गया कार्य है, सबसे पहले आप देखो यहाँ पर जो बल होता है स्प्रिंग पर, जो बल है वह बल ये जो विस्थापन है उसके समानुपाती होता है, क्योंकि बल जितना अधिक लगाएंगे एक्स का मान उतना अधिक होगा। यदि एक भौतिक राशि को बढ़ाने पर दूसरी भौतिक राशि में भी वृद्धि हो तो वहाँ पर समानुपातिक संबंध होता है, आपको ये पता है। तो एफ प्रोपोर्शनल टू एक्स होता है, दैट इम्प्लाइज इसको हम आगे सॉल्व करें तो एफ इक्वल टू यहाँ पर एक के कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करेंगे ये एक्स, और यहाँ पर माइनस साइन उपयोग करेंगे। क्यों? क्योंकि स्प्रिंग क्या है, एक विरोधी बल है, हम स्प्रिंग को खींचते हैं लेकिन स्प्रिंग सिकुड़ना चाहता है, इसलिए यहाँ पर माइनस साइन लगाएंगे। और यहाँ पर ये जो के लिया गया है वह है स्प्रिंग कांस्टेंट। तो ये स्प्रिंग कांस्टेंट होता है के, और स्प्रिंग कांस्टेंट के का मान हर अलग अलग पदार्थ स्प्रिंग के लिए अलग अलग होता है। तो एफ इक्वल टू हो गया माइनस के इंटू एक्स, यहाँ पर माइनस साइन को हम निगेटिव डायरेक्शन का फोर्स है करके यूज किए हैं। अब ये हम देखें कि स्प्रिंग पर हमने कार्य कितना किया। स्प्रिंग पर जो किया गया कार्य है वह उस स्प्रिंग पर औसत बल क्यों? क्योंकि हम दो कंडीशन में उसमें बल लगा रहे हैं, एक बार जीरो फोर्स और एक बार एफ फोर्स। तो औसत बल गुणित विस्थापन के बराबर होगा। तो औसत बल मतलब क्या हो जाएगा, जीरो प्लस एफ अपॉन टू, मतलब प्रारंभिक धन अंतिम बल बटे दो, और विस्थापन क्या है एक्स, दैट इक्वल आगे हम इसको सॉल्व करें तो हो जाएगा वन अपॉन टू, और एफ के मान को भर दें के इंटू एक्स इंटू एक्स। यहाँ पर माइनस नहीं लिखेंगे क्योंकि मैंने आपको बताया ये दिशा बता रहा है। दैट इक्वल ये हो जाएगा वन अपॉन टू के एक्स स्क्वेयर। इस तरह से यहाँ पर जो कार्य आया उसी को हम क्या कहेंगे, उसकी ऊर्जा, क्योंकि कार्य ऊर्जा के बराबर होता है। तो स्प्रिंग पर जो कार्य है, स्प्रिंग पर जो किया गया कार्य है वह वन अपॉन टू के एक्स स्क्वेयर के बराबर होता है, क्लियर। अब यदि हम इसको ग्राफिकल देखें, ग्राफी रूप से तो ये भी हमको जानना जरूरी है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ग्राफ पर बेस्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम यहाँ पर एक ग्राफ ड्रा करते हैं इसके लिए, और ये जो ग्राफ है वह बल और विस्थापन के बीच में ग्राफ खींचते हैं। देखिए तो यहाँ पर हमने ले लिया ये ग्राफ, यहाँ पर x एक्सिस और ये y एक्सिस। x एक्सिस में सपोज हमने विस्थापन को ले लिया कि उस पर हम कितना विस्थापन कर रहे हैं x, और y एक्सिस में हमने ले लिया है बल जो कि क्या है f है, इस तरह से बल f को ले लिया। अब इनके बीच में जब ग्राफ ड्रा किया गया तो दोनों के बीच में समानुपातिक संबंध होता है, और आप लोग को मैं कई बार बताया होऊंगा या नहीं तो ध्यान रखिए, जब भी किसी दो भौतिक राशियों के बीच में समानुपातिक संबंध हो तो उनके बीच में जो खींचा गया ग्राफ है वह एक स्ट्रेट लाइन होता है जो दोनों अक्षों से समान कोण बनाया हुआ होता है, दैट मीन्स 45 अंश के बराबर। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि समानुपातिक संबंध का मतलब है यदि हम एक राशि के मान को बढ़ाएंगे दूसरा भी बढ़ेगा, जितना ये बढ़ेगा उतना ये बढ़ेगा, जितना ये बढ़ेगा उतना ही बढ़ेगा। इसलिए हमेशा ध्यान रखना इस बात को कि दो भौतिक राशियों के बीच में समानुपातिक संबंध हो, जैसे ओम का नियम है, ये है, बहुत से हैं, तो सब में ग्राफ ऐसा ही मिलता है, ये ग्राफ को आप ध्यान रखना। अब यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर एक लंब डाल दिया, ये मान लो ओ बिंदु है, और ये यहाँ पर हमने ए बिंदु लिया, और यहाँ से हमने इस पर एक लंब डाल दिया मान लो बी, इस प्रकार से। तो यहाँ पर जो हमने पढ़ा है ग्राफ में, पहले वीडियो में आपको बताया कि यदि बल और विस्थापन के बीच में ग्राफ खींचा जाए तो ग्राफ में जो क्षेत्रफल अपने को मिलता है, मतलब यहाँ पर ये जो आपको क्षेत्रफल मिल रहा है त्रिभुज का, यही किसके बराबर होता है, कार्य के बराबर होता है। तो इसलिए कार्य W बराबर हो जाएगा त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल, ये कार्य W बराबर त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल हो जाएगा। और त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, तो बेस कितना है ओ बी है, और हाइट क्या है ए बी है, ठीक, 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, तो 1/2 आधार गुणित ऊंचाई हो जाएगा, दैट इक्वल 1/2, ये जो ओ बी है वह x के बराबर है, देखो ओ बी को हमने क्या लिया है x लिया है, और ए बी क्या है बल f के बराबर है, तो ये f हो जाएगा, दैट इक्वल 1/2 x, और f को लिख सकते हैं हम k इंटू एक्स, इस फार्मूला से f इक्वल टू लिख सकते हैं k इंटू एक्स, माइनस साइन को नहीं लेंगे, और यह भी आ गया हमारा 1/2 के एक्स स्क्वेयर। और इसी कार्य को हम क्या बोलते हैं, ऊर्जा। तो यह स्प्रिंग पर ऊर्जा, देखो दोनों फार्मूला सेम आया है, यहाँ पर भी U इक्वल टू 1/2 के एक्स स्क्वायर,
और यहाँ पर भी u बराबर 1/2 के एक्स स्क्वायर। ये ग्राफिकल मेथड है, ग्राफी विधि है, और ये सीधा डायरेक्ट मेथड है। तो ग्राफ में भी आप ध्यान रखना कि ग्राफ में क्या होगा, यदि स्प्रिंग में हम बल लगाएं और उस स्प्रिंग को खींचें या सिकुड़ दें, तो दोनों कंडीशन में क्या होता है, दोनों के बीच में यदि ग्राफ ड्रा किया जाए तो ग्राफ में जो त्रिभुज बनता है उस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वही उस पर ऊर्जा या कार्य के बराबर होता है। क्लियर? तो ये है स्प्रिंग पर ऊर्जा। इससे बहुत से क्वेश्चन बनते हैं, न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन बहुत से बनते हैं मल्टीपल च्वाइस के, तो इसको अच्छे से तैयार करना। देखिए, बेसिकली मैं हर क्लास में आपको याद दिलाता हूँ कि जितने भी स्टूडेंट्स का टारगेट IIT है, नीट है, या कोई भी साइंस को लेके NDA का एग्जाम है, साइंस को लेके यदि आपका कोई भी टारगेट है, तो आप फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को बहुत गहराई तक समझिए। क्योंकि हम IIT नीट का जब कोचिंग देते हैं तो मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स क्या है, 11th क्लास में खासकर बहुत सुपरफिशियल पढ़े रहते हैं, जैसे ग्राफिकल वगैरह मेथड को छोड़ दिए, ढंग से पढ़े नहीं, वो जाके फिर आपको आगे परेशान करेगा। इसलिए 11th क्लास तो कंप्लीट नॉलेज ओरिएंटेड क्लास है। यहाँ पर आप एग्जाम में क्या आएगा, मेरे सर क्या पूछेंगे, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कुछ मत सोचो, क्योंकि होम एग्जामिनेशन है और कितना सिलेबस हट गया कितना कुछ नहीं। आप नॉलेज ओरिएंटेड पढ़ाई करो, मतलब 11th में जितना ज़्यादा हो सके मेरे को डेप्थ में, यही आपके IIT और नीट में सिलेक्शन का बेस बनेगा। ये मेरा बहुत लॉन्ग एक्सपीरियंस है, मैंने इस बात को देखा है कि बहुत से स्टूडेंट 12th में सिंसियर हो जाते हैं, 11th को पुअर कर देते हैं, और वो फिर उनको जाके आगे, ठीक है 12th में तो बहुत अच्छा मार्क्स ले आते हैं, टॉप 10 में आ जाते हैं, मेरिट में आ जाते हैं, क्योंकि 12th क्लास में तो उनको 11th का क्वेश्चन पूछा नहीं, तो 12th बस को बहुत अच्छा तैयारी किया और मेरिट में आ गया, 11 जीरो है। और वही स्टूडेंट जब बाद में जाके नीट में बैठा या IIT में बैठा या NDA में बैठा, तो फिर 11th का क्वेश्चन भी वहाँ पर आते हैं और वो कुछ परफॉर्म नहीं कर पाता। ये मैंने बहुत साल से पढ़ाते हुए ये बात को देखा है, इसलिए हमेशा 11th के स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि ये तो और ज़्यादा नॉलेज गेन करने का क्लास है, क्योंकि ना तो आपको बोर्ड क्लास का परसेंट लाने का टेंशन है, ना सिलेबस का, कुछ टेंशन नहीं है। आप पढ़ो, आप सिर्फ पढ़ो और गहराई तक पढ़ो चीज़ों को, तो उसके लिए आपको आगे फ़ायदा मिलेगा। देखो, कभी भी आपको टीचर के सजेशन को मानना चाहिए, क्योंकि आपको लाइफ में अभी फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस मिलेगा, लेकिन हमारा हर साल वही काम है, हम हज़ारों बच्चे पढ़ा चुके और हर साल हम अपने स्टूडेंट्स के परफॉर्मेंस को चेक करते हैं कि कौन कैसा कर पाया, तो इसको आप अच्छे से करिए, ठीक है। कार्य ऊर्जा शक्ति बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसके न्यूमेरिकल्स कराऊंगा फिर मैं अभी, क्लियर ये टॉपिक। तो अब हम आगे पढ़ते हैं, इसके बाद इस चैप्टर का एक और महत्वपूर्ण टॉपिक वो है स्वतंत्रता पूर्वक, मतलब अभी हमने जो ऊर्जा संरक्षण का नियम पढ़ा कि ऊर्जा न तो उत्पन्न होती न नष्ट होती, केवल स्वरूप बदलता है, इस बात को हम अभी एक स्वतंत्रता पूर्वक गिरते हुए पिंड के हेल्प से प्रूफ करेंगे। देखिए, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्वतंत्रता पूर्वक गिरते हुए पिंड की ऊर्जा। स्वतंत्रता पूर्वक गिरते हुए पिंड की ऊर्जा मतलब क्या है, यदि हम किसी पिंड को स्वतंत्रता पूर्वक माने बिना कोई बाह्य बल लगाए ऊपर से छोड़ दें नीचे गिरने के लिए, फ्रीली फॉलिंग बॉडी, तो उसमें किस तरह की ऊर्जा होती है। देखो, स्वतंत्रता पूर्वक गिरते पिंड की कुल ऊर्जा नियत होती है, यह प्रमेय है, समझ लो नियत होती है, ये हम जानते हैं। स्वतंत्रता पूर्वक गिरते पिंड की कुल ऊर्जा नियत होती है हर बिंदु पर। जैसे क्वेश्चन आएगा तो आपको इसी तरह से पूछेगा, सिद्ध कीजिए कि स्वतंत्रता पूर्वक गिरते हुए किसी पिंड की प्रत्येक बिंदु पर कुल ऊर्जा हमेशा क्या होती है, नियत होती है। तो ये टॉपिक को हम किस तरह से प्रूफ करेंगे, देखो यहाँ पर एक सिचुएशन को आप ध्यान देना, ये एक धरातल है, जमीन है, ये हमने ये एक बेस लिया, ग्राउंड लिया, यहाँ पर मान लो इस स्थिति पर ये ए पोजिशन पर कोई एक पिंड है ये, और इसकी यहाँ से ऊँचाई मान लो क्या है, एच है, मान लो ये एच ऊंचाई पर ये है, इनिशियल कंडीशन समझ गए आप, एच ऊंचाई पर ए बिंदु पर एक पिंड रखा हुआ है। अब इसको यहाँ से हम छोड़ते हैं, इसका प्रारंभिक वेग क्या है, जीरो है, क्योंकि रेस्ट कंडीशन में है। अब जब इस पिंड को नीचे गिराया जाता है, तो सपोज जब ये यहाँ पहुँचता है, बी पोजिशन पर पहुँचता है, तो ए से बी के बीच की दूरी को हमने मान लिया, मान लो एक्स,
ये मान लिया। इसके बाद ये नीचे गिरते हुए यहाँ पर आ जाता है सी पोजीशन पर, तो ये जो बची हुई दूरी है वो कितना हो जाएगा, एच माइनस एक्स। क्यों हो जाएगा, क्योंकि टोटल एच है, एक्स गिरा तो बची हुई दूरी एच माइनस एक्स। इस तरह हमने तीन पोजीशन ले लिया इस पिंड के लिए, ए पोजीशन, बी पोजीशन और सी पोजीशन। इन तीनों पोजीशन पर हम क्या करें, अब इसकी ऊर्जा का गणना करें। तो सबसे पहले अपन एक एक पॉइंट पर चेक करते जाते हैं। सबसे पहले बिंदु ए पर कुल ऊर्जा का मतलब क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा धन गतिज ऊर्जा, ठीक है। तो पहले हम स्थितिज ऊर्जा गणना कर लेंगे, गतिज ऊर्जा कर लेंगे। तो बिंदु ए पर ये हमारा एक तरह से हेडिंग है, समझ लो बिंदु ए पर। अब जो भी मैं कैलकुलेशन करूंगा कहां के लिए करूंगा, पॉइंट ए पर। इस बिंदु के लिए हम बात करते हैं बिंदु ए पर। तो बिंदु ए पर हम निकालते हैं इसकी स्थितिज ऊर्जा, पीई मतलब पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा, और बराबर क्या होता है, एम जी एच। तो अभी इसकी जमीन सतह से ऊंचाई एच है, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, एम जी एच। अब हम निकाल लें इसका काइनेटिक एनर्जी। तो अभी मैंने बताया अभी आपको कि यह पिंड यहाँ पर स्थिर अवस्था में है, उसमें कोई गति नहीं है, तो उसका गति ऊर्जा क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि हाफ एम वी स्क्वायर होता है, अभी तो यहाँ पर जीरो है। देयर फॉर टोटल एनर्जी, इसलिए जो कुल ऊर्जा होगा वह दोनों के योग के बराबर हो जाएगा, मतलब एम जी एच प्लस जीरो दैट इक्वल टू, यह हो गया एम जी एच रिलेशन नंबर फर्स्ट। ये हमने निकाल लिया बिंदु ए पर, क्लियर। अब हम इसका गणना करते हैं बिंदु बी पर। बिंदु बी पर अब जो भी हम बात करेंगे बिंदु बी के लिए, देखो यह पिंड अब गिरते हुए इस पोजीशन में पहुंच गए, तो यहां पर आके रुका नहीं हो, तो लगातार गतिशील है। तो यहां पर हम पहले निकाल लें इसकी स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी। तो स्थितिज ऊर्जा यहां पर क्या हो जाएगा, अभी इसकी जमीन ऊंचाई कितनी है, जमीन सतह ऊंचाई को हम लिखते हैं, तो h माइनस एक्स, तो यह हो जाएगा एम जी एच माइनस एक्स, ये हो गया। अब काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर निकालना है, तो ध्यान देना यहाँ गतिज ऊर्जा निकालेंगे तो यहाँ पर वेग पता होना चाहिए, यहाँ पर तो पिंड स्थिर में था तो कोई दिक्कत नहीं हुआ, लेकिन अब हमको चाहिए बी पोजिशन पर उसका वेलोसिटी, जो कि वहाँ पर उसका अंतिम वेग होगा। तो हम यहाँ पर गति के समीकरण से, गति के तृतीय समीकरण से, यदि हम गति का तृतीय समीकरण निकाल के इसका वेग निकालें, तो गति का तृतीय समीकरण होता है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। तो यहाँ पर हम निकालेंगे वी स्क्वायर, प्रारंभिक वेग यहाँ पर शून्य है, और टू गुरुत्वीय त्वरण है जी, और जितनी दूरी वो तय करके आया वो दूरी कितना है एक्स, तो हो जाएगा टू जी एक्स। इस तरह से देयर फॉर वी स्क्वायर इक्वल टू लिख सकते हैं टू जी एक्स। ये अब वी स्क्वायर निकल गया, तो इसकी सहायता से हम काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं। तो देयर फॉर काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वन अपॉन टू एम वी स्क्वायर दैट इक्वल वन अपॉन टू एम, और वी का मान निकला है, वी स्क्वायर का मान निकला है टू जी एक्स। इसके मान को हम भर देंगे टू जी एक्स दैट इक्वल टू टू कैंसिल हो जाएगा, तो मिल जाएगा एम जी एक्स। ये हमने निकाला है इसका पोटेंशियल एनर्जी बिंदु बी पर, और हमने वहीं पर निकाला अब उसका काइनेटिक एनर्जी। देयर फॉर हम इसका निकालेंगे टोटल एनर्जी, देयर फॉर टोटल एनर्जी इक्वल टू हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, ये दोनों के योगफल के बराबर हो जाएगा। दैट इक्वल पोटेंशियल एनर्जी कितना है अपने पास, ये एम जी एच माइनस एक्स, एम जी एच माइनस एक्स, और प्लस काइनेटिक एनर्जी हमने निकाला है क्या, एम जी एक्स। दैट इक्वल इसको ब्रैकेट ओपन कर दें तो यहाँ पर माइनस एम जी एक्स आएगा, ये प्लस एम जी एक्स के साथ में कैंसिल हो जाएगा और मिलेगा अपने को एम जी एच, दिस इज रिलेशन नंबर टू, ये समीकरण नंबर दो मिल जाएगा अपने को। इस तरह से हमने बिंदु बी पर टोटल एनर्जी निकाल लिया एम जी एच। देखो बिंदु ए पर भी टोटल एनर्जी एम जी एच आया है और बिंदु बी पर भी टोटल एनर्जी एम जी एच आया है। अब यदि हम बिंदु सी पर भी वही निकाल दें तो प्रूफ हो जाएगा कि कुल ऊर्जा सदैव क्या होती है, नियत होती है। तो चलो अब हम कैलकुलेशन करते हैं किसके लिए, बिंदु सी के लिए। बिंदु सी पर यदि हम बिंदु सी पर बात करें तो बिंदु सी पर सबसे पहले हम निकाल लें क्या, स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू होता है एम जी एच। देखो अब ये पिंड जमीन में आ गया तो पृथ्वी सतह से इसकी ऊंचाई क्या हो गई,
जीरो हो गई तो ये शून्य हो गया। अब हम निकालेंगे काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए हमको यहाँ पर इसका वेग चाहिए, तो यहाँ पर भी पुनः अपन लगा देते हैं गति के तृतीय समीकरण से, वही काम फिर करेंगे। तो गति के तृतीय समीकरण से डायरेक्ट लिख रहा है v स्क्वायर इक्वल टू जीरो, क्योंकि हम यहाँ से लेंगे प्रारंभिक वेग शून्य है, वी स्क्वायर और टू जी, और ये क्या हो जाएगा h, क्योंकि अब यहाँ से यहाँ तक गिरते तक वो कितनी दूरी तय कर लेगा h, तो v स्क्वायर का वैल्यू आ गया 2gh, therefore काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर दैट इक्वल टू 1/2m, और v स्क्वायर का वैल्यू को रख देते हैं 2gh, यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना मिल जाएगा अपने को, काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगा mgh, काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगा हमको mgh, ये हमने काइनेटिक एनर्जी निकाल लिया। पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, काइनेटिक एनर्जी mgh है, तो देयरफॉर यदि टोटल एनर्जी निकालें तो हो जाएगा वो mgh प्लस जीरो दैट इक्वल mgh, ये टोटल एनर्जी ये C पर। इस तरह से आप देखो यहाँ पर कि बिंदु A पर, यहाँ पर आप देखो कि बिंदु A पर भी टोटल एनर्जी mgh है, बिंदु B पर भी टोटल एनर्जी mgh है, और बिंदु C पर भी टोटल एनर्जी mgh है। इस बात से प्रूफ हो जाता है कि इसकी ऊर्जा सदैव क्या होती है, नियत होती है, स्वतंत्रता पूर्वक गिरते पिंड की प्रत्येक बिंदु पर, ठीक है, या कुल ऊर्जा भी कह सकते हैं आप, ऐसा लिख सकते हैं प्रत्येक बिंदु पर, जरूरी नहीं है लिखना इसको प्रत्येक बिंदु पर भी लिख सकते हो, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, हर पॉइंट पर, मतलब यदि वो कितनी भी ऊंचाई से गिरे, यदि गिरते हुए किसी भी बिंदु पर आप कुल ऊर्जा निकालोगे कि भाई यहाँ पर इसकी कुल ऊर्जा कितनी है, तो mgh ही आएगा। इस बात से प्रूफ होता है ऊर्जा संरक्षण का नियम, क्यों, क्योंकि गतिज ऊर्जा लगातार स्थितिज ऊर्जा में और स्थितिज ऊर्जा लगातार गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो रहा है, बदल रहा है, एक घट रहा है तो दूसरा उसी अनुपात में बढ़ रहा है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि स्वतंत्रता पूर्वक गिरते हुए पिंड की प्रत्येक बिंदु पर कुल ऊर्जा सदैव नियत होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान में रखना, इस टॉपिक का इस आपके स्कूल एग्जाम में टीचर्स इसको पूछते ही हैं, ये क्वेश्चन पूछते हैं, ये क्वेश्चन इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट टॉपिक में शामिल है, क्लियर। तो यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो जाता है ये ऊर्जा, ठीक है, हमने पढ़ा कार्य और ऊर्जा, तो यहाँ पर ऊर्जा कंप्लीट हो जाता है। अब इस चैप्टर का एक बहुत इंपॉर्टेंट और स्पेशल टॉपिक है, उस टॉपिक को पढ़ाने से पहले ही उसका भूमिका आपको बता दूँ, उसका इंट्रोडक्शन बता दूँ, उसको हम बोलते हैं संघट, संघट मतलब होता है टक्कर, कोलिजन, और नेक्स्ट जो पार्ट होगा मैं इस पार्ट में उसको इसलिए स्टार्ट नहीं करूंगा क्योंकि कंप्लीट एक लेक्चर, एक वीडियो का कंप्लीट उसमें कंटेंट्स है और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको अलग से सेपरेट बहुत स्पेशल पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि यदि जब फ्यूचर में आप कॉम्पिटिटिव का प्रिपरेशन करोगे, जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन करोगे, तो सबसे ज़्यादा यदि चांस किसी टॉपिक से आने का है इस चैप्टर में क्वेश्चन, वो है कोलिजन, वो है टक्कर, तो टक्कर बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत से कंटेंट्स उसमें, तो हम नेक्स्ट टॉपिक में इस पर बात करेंगे। तो इतना टॉपिक आप तैयार करके रखिए, फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक बहुत जल्दी हम आपको उसको प्रोवाइड कराएंगे। ओके, थैंक यू।